नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल अभी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी महागठबंधन की सरकार को मोकामा में वहाँ के बाहुबली नेता आनंद सिंह के करीबी कार्तिकेय सिंह के कानून मंत्री बनाए जाने को लेकर के बहुत बड़े बड़े सवाल उठने लगे हैं। इससे बड़ा जंगल राज और क्या होगा। जिस एमएलसी को बिहार में कानून की जिम्मेदारी दी गई है उसके खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंट जारी किया जा चुका है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस तारीख यानी कि 16 अगस्त को उनको कोर्ट में पेश होना था वो बहुत मजे से राजभवन में शपथ ग्रहण का हिस्सा बने हुए थे, मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक टीवी चैनल को उससे बातचीत की और उसमें उन्होंने वो सब बातें की जो चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाया गया वह अनंत सिंह के बहुत करीबी हैं। अनंत सिंह सजायाफ्ता हैं, जेल में बंद हैं और उनकी विधायकी हाल ही में समाप्त की गई है और कार्तिकेय किडनैपिंग के मामले में फरार हैं। 16 अगस्त को उन्हें सरेंडर करना था और इसी दिन सरेंडर करने के बजाय कार्तिकेय मंत्री पद की शपथ लेने चले गए राजभवन। क्या ये नीतीश कुमार को मालूम नहीं है? मुख्यमंत्री जब किसी मंत्री की को शपथ दिलाते हैं तो वो पूरा पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, ये एक नियम भी है। और कौन से मुकदमे हैं, क्या मुकदमे हैं, नीतीश जी तो खुद बाढ़ मोकामा इलाके से ही आते हैं, तो क्या उन्हें मालूम नहीं कि कौन आदमी क्या है? ऐसे व्यक्ति को उन्होंने कानून मंत्री बना दिया है तो चर्चा होनी तो लाजमी है। दरअसल कार्तिकेय सिंह को इसलिए कानून मंत्री बनाया गया है ताकि आरजेडी नेताओं सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रमाकांत यादव जैसे लोगों पर जितने भी केस हैं उनको खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि कार्तिकेय सिंह की क्या योग्यता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट है उसे क्यों मंत्री बनाया गया। अगर सीएम को इस बारे में जानकारी नहीं थी तो अब वह कार्तिकेय को बर्खास्त करें। ऐसी घटना पहले भी हुई थी जिससे मंत्रियों को बर्खास्त किया गया था, इसलिए इस बार भी बर्खास्त करने की कार्रवाई करें। और इधर देखिए मजे की बात क्या है, कार्तिकेय सिंह कह रहे हैं कि चुनावी हलफनामे में सारी जानकारी दर्ज है, उनको समझना चाहिए, यानी कि देश को समझना चाहिए कि चुनावी हलफनामे में कोई जानकारी दर्ज करना एक बात है, ये उन्हें नहीं मालूम है, लेकिन ये तो दर्ज होना चाहिए कि मैं वारंटी हूँ, फरार हूँ, कुछ भी दर्ज नहीं है, मैंने सरेंडर नहीं किया है, सरेंडर नहीं करना कितना बड़ा अपराध है। आप न्याय के मंदिर जाने के बजाय राजभवन चले गए और फिर एक बार फिर से लालू यादव और राबड़ी यादव की तरह वहाँ पे जंगल राज लौट आया है। माना कि कार्तिकेय सिंह को कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है, लेकिन ये भी सच है कि इनके खिलाफ वारंट जारी है। जिस चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री बनाया गया है वह दिल्ली एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ अरेस्ट हो चुके हैं। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि अनंत सिंह से खुद नीतीश कुमार डरते हैं, इसलिए उन्होंने कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनने से नहीं रोका। सीएम नीतीश कुमार को इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहिए। अच्छा, सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट किया है, वो लिखते हैं कि महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल में बाहुबलियों की भरमार है और ये भरमार कर नीतीश कुमार ने बिहार में डरावने दिनों की वापसी सुनिश्चित कर ली है। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रमाकांत यादव और कार्तिक कुमार जैसे विधायक मंत्री बनाए गए हैं जिनके नाम से इलाके में लोग कांपते हैं। इन लोगों पर आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। मैं आपको बता दूं कि साल 2014 में राजीव रंजन किडनैपिंग हुई थी और इस मामले में बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी है। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है, ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है। 16 अगस्त को इनको कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो उस समय बड़े आराम से राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि अब
वही दिन आ गए हैं जो लालू यादव के समय में थे, यानी कि इस बार लालू यादव नहीं नीतीश कुमार का जंगल राज होगा। आपको ये कंटेंट कैसा लगा? मैं चाहूँगी कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं फिर मिलती हूँ आपसे किसी और नए कंटेंट के साथ, किसी और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।